अस्सलामुअलैकुम। lovebirdvalley.com की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि परिंदों की मटकियां जो हैं किस सीज़न में, किस वक्त जब सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो किस टाइम पे लगानी चाहिए। देखें, आप डिपेंड करता है कि आप अपने इलाके को देखें कि वहाँ पे कितनी गर्मी पड़ रही है। लाहौर में अब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अगस्त में स्टार्ट हो जाता है इनका ब्रीडिंग सीज़न। कुछ लोग जो हैं वो मटकियाँ पहली अगस्त को लगा देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो 15 अगस्त को लगाते हैं, कुछ लोग सितंबर में लगाते हैं। तो ये एक तो ये भी डिपेंड करता है कि आप जिन्हें जहाँ पे अपना सेटअप लगाया हुआ है वहाँ पे कितनी गर्मी पड़ रही है। अगर तो आपके सेटअप में बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप 15 अगस्त या पहली सितंबर को आप जो है मटकियाँ लगा दें। तो अगर तो इतनी गर्मी नहीं है आपके सेटअप में, मौसम जो है वो ठीक है, खुशगवार है मौसम, तो पहली अगस्त को जो होता है वो शुरू हो जाता है, लाहौर में सीज़न स्टार्ट हो जाता है। मतलब मटकियां आप लगा दें तो अगर आप पहली अगस्त को लगाएंगे तो वो 15-20 अगस्त से ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप 15 अगस्त को लगाएंगे तो अगस्त के एंड में, सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो अंडे देने शुरू कर देते हैं बर्ड्स। तो अभी भी आप लगा सकते हैं, आज 24 जुलाई हो गई है, तो अगर आप अब लगाते हैं तो आपके बर्ड जो हैं वो तकरीबन अगस्त के 10 अगस्त को 15 अगस्त तक अंडे देने स्टार्ट कर देंगे। तो ये 3 महीने होते हैं आमतौर पे गर्मियों के रेस्ट के होते हैं, इसमें मई होता है, जून होता है और जुलाई होता है। तो अगर तो आपने बर्ड्स पहले से रखे हुए हैं, पिछले साल के बर्ड्स आपके पास हैं, तो फिर तो और आपने रेस्ट भी दे दिया है 2-3 महीने का, तो अब मटकियां लगाने का जो है टाइम आ गया, अब आप लगा सकते हैं मटकियां। लवबर्ड्स वगैरह जो हैं ये कुछ नेस्टिंग वगैरह भी कर रहते हैं। तो अब अगर आप लगाएंगे पहली अगस्त को, अगर आप लगाते हैं मटकियां तो फिर नेस्टिंग वगैरह ये शुरू करेंगे करनी। तो उसके बाद ये तकरीबन 15-20 दिन, 25 दिन लेते हैं उसमें, अगर तो पहले से एडजस्ट हुए हुए हैं तो फिर तो 10-15-20 दिनों में आपके ब्रीड कर जाएंगे। तो अगर मेरी तरह, ये मैंने तो ये नए बर्ड्स लिए थे तो मैंने तो मटकियाँ इनकी लगा दी थी, जब मैं लाया था मैंने तब ही लगा दी थी, क्योंकि नए बर्ड्स का आमतौर पर ये होता है ना कि उनको नई जगह होती है, तो अगर आप मटकी लगा दें तो वो एडजस्ट जल्दी हो जाते हैं, मटकियों में जाते रहते हैं, जोड़े बन जाते हैं अपने। मेरे पास मैंने तो जो ये लिए थे इनमें से ज़्यादातर बच्चे वगैरह थे, तो जोड़े वगैरह उनके कुछ लग भी गए थे। अभी पूरी तरह से लव बर्ड्स वगैरह मेरे एडल्ट नहीं हुए, कुछ पीस हो गए हैं एडल्ट, लेकिन कुछ पीस जो है अभी एडल्ट नहीं हुए। तो अभी उससे पहले ही इन्होंने जो है वो मटकियाँ वगैरह अपनी सेलेक्ट कर ली हैं और पेयर्स वगैरह लगा लिए हुए हैं। तो मटकियाँ लगाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो गए थे, जल्दी हो गए हैं। तो आप लोग जो हैं, अगर आप लोग, कुछ दोस्त वगैरह भी पूछ रहे थे मेरे से कि मटकियाँ कब लगानी चाहिए, तो मटकियाँ यार देखो अगस्त के फर्स्ट अगस्त को आप लगा सकते हो। जैसा यहाँ पे मैंने ये सेटअप लगाया हुआ है, तो यहाँ पे तो मौसम जो है ठंडा रहता है, क्योंकि हवा चलती रहती है, उस साइड से भी हवा आती है, इधर से भी, तो ज़्यादा हबस वगैरह नहीं होती, क्योंकि आजकल हबस का मौसम है। तो अगर तो आपकी कॉलोनी जो है ऐसी जगह पे है जहाँ ज़्यादा हवा नहीं चलती, फिर तो दायरा तो गर्मी ज़्यादा होगी, तो फिर आप 10-15 दिन और ठहर जाएँ, आप 15 जो है 15 अगस्त से आप मटकियाँ लगा लें। तो अगर तो मौसम ठीक है, जिस तरह मेरा यहाँ पे ठीक है मौसम, अरेंजमेंट किया हुआ है, तो फिर तो आप लगा सकते हैं। कुछ लोगों ने जिस तरह शेड बनाए हुए हैं उसमें एसी लगाए हुए हैं, कूलर लगाए हुए हैं, ठीक है, पंखे लगाए हुए हैं, तो और अगर तो टेम्परेचर मेंटेन हुआ हुआ है शेड के अंदर, तो फिर तो आप मटकियाँ अब लगा सकते हैं। आप लगाएं तो 15 अगस्त तक जो है वो इनके ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lovebirdvalley.com और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।